अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्। विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुः अतुलां तेजसः प्रभुः। ब्रह्मोवाच। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। प्रसिष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालनी तथा संगृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर्महारात्रिः मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिः त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण मुशुण्डी परिधायुधा। सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी। यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ययो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। विष्णुः शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावहि स्वहि उदारैर्देवि संस्तुता। मोहयैतु दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु। बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ॐ इति रात्रिसूक्तम्।